हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम गूगल फॉर्म्स में हेफेली एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन पेपर कैसे खोलेंगे, कैसे आंसर करेंगे और आंसर शीट कैसे अपलोड करेंगे ये जानेंगे। बिफोर एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम के पहले टेक वन रजिस्टर कॉपी, ओपन सेंटर पेज, बीच वाला पेज खोलिए रजिस्टर का, टेक आउट वन पेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रजिस्टर कॉपी। रजिस्टर कॉपी के बीच का पेज निकाल लीजिएगा। सबसे पहले आप पेज में पेज नंबर डालेंगे, पेज नंबर राइट साइड में पेज नंबर वन। देन उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा हेफेली एग्ज़ामिनेशन 2020-21। फिर नेम, रोल नंबर, क्लास एंड सेक्शन, एडमिशन नंबर, सब्जेक्ट एंड डेट लिख के रेडी रखिएगा। नेक्स्ट पेज में भी राइट हैंड साइड ऊपर आपको पेज नंबर डालना है, जैसे मैंने डाला है पेज नंबर टू। एग्ज़ाम से पहले आपको अपने आंसर शीट के साथ रेडी रहना है ताकि आपके क्वेश्चन पेपर आए तो आप सीधे आंसर लिखना स्टार्ट करें। एग्ज़ाम की डेट पर आपकी टीचर्स आपको क्लास ग्रुप में एक लिंक सेंड करेंगी, वो लिंक आपको क्लिक करना है और लिंक खोलना है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा, इस तरह का एक पेज खुलेगा जिसमें आपको ईमेल एड्रेस, नेम, रोल नंबर, क्लास सेक्शन एंड एडमिशन नंबर लिखना है। सबसे पहले हम ईमेल आईडी लिखेंगे। ध्यान से हम अपना करेक्ट ईमेल आईडी लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है manisha@gmail.com। फिर हम नेम लिखेंगे, मनीषा आप अपना पूरा नाम लिखिएगा। नेक्स्ट है रोल नंबर, जैसे मैंने लिखा है 11। नेक्स्ट क्लास एंड सेक्शन, आपको अपना क्लास एंड सेक्शन सेलेक्ट करना है। देन एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर भी ध्यान से भरिएगा, करेक्ट भरिएगा। एडमिशन नंबर भरने के बाद हम रीचेक करेंगे अपना ईमेल आईडी, नेम, रोल नंबर, क्लास एंड सेक्शन, एडमिशन नंबर। देन हम नेक्स्ट बटन पे जाएंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का दूसरा पेज खुलेगा जिसमें हम अपने क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन पेपर में क्लिक करके जूम करके क्लीन देख सकते हैं। अब जो आंसर शीट हमने एग्ज़ाम से पहले रेडी रखा था उसमें क्वेश्चंस देखकर हम आंसर लिखेंगे। जब हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा तब हम ऐड फाइल ऑप्शन में आएंगे। ऐड फाइल ऑप्शन में आकर हम ऐड फाइल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, इंसर्ट फाइल, अपलोड मोर। तो हमें सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस को सेलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही हमें नीचे ऑप्शन देखेंगे चूज़ एन एक्शन कैमरा कैमकॉर्डर रिकॉर्डर फाइल। तो हमें कैमरे में क्लिक करना है। कैमरे में क्लिक करते ही हमारे सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरे में अपनी आंसर शीट को अच्छे से एडजस्ट करके और ये ध्यान रखेंगे कि फ़ोटो क्लीन आ रही है, हम फ़ोटो को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने कैंसिल और ओके का ऑप्शन आया है, तो हम ओके क्लिक करते ही हमारा फाइल ऐड हो गया। अब हमें नेक्स्ट फाइल ऐड करनी, एक और पेज करना है, तो हम उसमें करेंगे ऐड मोर फाइल। ऐड मोर फाइल में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से कैमरा, फिर से नीचे ऑप्शन आया, तो हम फिर से कैमरे में जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, फिर कैमरा ऑन हो गया। फिर हम अपनी आंसर शीट को सेकंड पेज को अच्छे से एडजस्ट करेंगे और आंसर शीट की पिक क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का बन जाएगा। फिर हम नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड मोर फाइल के नीचे अपलोड, अपलोड बटन क्लिक करेंगे। अपलोड बटन क्लिक करते ही हमारे फ़ोटोज़ अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख सकते ब्लू कलर की लाइन बढ़ रही है। हमारी आंसर शीट की फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। अब हम इसमें सबमिट बटन पर आएंगे और सबमिट अपने आंसर शीट को सबमिट करेंगे। सबमिट बटन के क्लिक करते ही हमारी आंसर शीट सबमिट हो जाएगी। सबमिट होते ही हमारे पास एक पेज खुलेगा, कारमेन स्कूल गोरखपुर, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड।